श्री राजपूत कर्णी सेना की ओर से रामगढ़ स्थित जमुबाई माता मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक दिया कुमारी रही। कर्णी सेना के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम आयोजक महिपाल सिंह मकराना ने राजकुमारी का स्वागत किया। इस दौरान फागोत्सव पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फागोत्सव का आनंद लिया। फाग के गीतों पर लोक नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं का दिया कुमारी के साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी दिखाई दिया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने रामगढ़ बांध पर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर भी शिकायत की। इस पर दिया कुमारी ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों ने फार्म हाउस बनाकर के वहां पर अतिक्रमण कर रखे हैं। क्या हालत हो रही है रामगढ़ बांध की, और सभी जानते हैं कि इतनी बुरी हालत है, इतना अतिक्रमण है, इतने सारे लोगों ने यहाँ पर अपना फार्म्स बना लिए। और आज आप देखें, अगर कोई बोलेगा ना यहाँ पर लेक होती थी तो कोई हंसेगा, यहाँ लेक के नाम पे कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट लोगों ने, जिन लोगों का बहुत वो रहता है, मतलब काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपने फार्म्स बना लिए, कब्जा कर लिया, और लोग सब मिलकर इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और हम लोग इसकी पूरा इसका अभियान बनाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जयपुर शहर को जो पानी मिलता था और आसपास के एरियाज को, पूरा का पूरा रामगढ़ बांध से ही मिलता था, लेकिन अब वो लाइफलाइन थी जयपुर की। और आज आपने देखा होगा यहाँ कुछ भी नहीं। इस पर तो क्या, अगर पब्लिक जुड़ेगी, अगर हर एक व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ेगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि सरकार से हम करवा नहीं सकते। पर यह है कि इसमें पब्लिक को, इस पब्लिक का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।